दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, PMGY ऐप का आईडी और पासवर्ड मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आपको नया एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है सेल्फ यूजर। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, आपको कैसे लॉगिन होना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी PMGY ऐप में लॉगिन होकर आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बहुत भाइयों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि उनके सेल्फ यूजर नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको सेल्फ यूजर कैसे देखने को मिलेगा वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट बता देंगे। आपको सेल्फ यूजर अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो आपके मोबाइल में कैसे सेल्फ यूजर देखने को मिल जाएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर जैसे ही ओपन करेगा आपको यहाँ पर टाइप करना होगा PMGY, ठीक है। आपको PMGY आपको इतना लिख के सर्च कर देना, जैसा आप इतना लिख के सर्च करिएगा तो देख सकते आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर कुछ दिखा देते हैं। यहाँ आपको नीचे आना, देखते हैं यहाँ पर अबाउट दिस ऐप, तो आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन उसके पहले यहाँ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 11 जुलाई 2023 को मैं अपडेट हुआ है। यहाँ पर देखते हैं सेल्फ यूजर फॉर स्टेट, मतलब किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको सेल्फ यूजर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, इतना कर लीजिएगा देख सकते आपके सामने जब यहाँ ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉग इन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जैसे आप लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ बेनिफिशियरी का ऑप्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेल्फ यूजर। तो अगर आपके मोबाइल में सेल्फ यूजर नहीं देखने को मिल रहा तो आपको कैसे आएगा वो भी हम आपको बता देंगे कि कैसे आएगा। सबसे पहले आप देखिएगा बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर, उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ऑपरेटर और यहाँ पे सेल्फ यूजर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे सेल्फ यूजर वाला ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना होगा, जो आपका पास मोबाइल नंबर होगा जिस पर आपका मोबाइल नंबर पर OTP आना चाहिए, मतलब आपका मोबाइल नंबर चालू होगा, मोबाइल नंबर टाइप करेगा और नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर लीजिएगा तो यहाँ आपको देखने मिल जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उसके नीचे आपको देखने मिलता है यूजर डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ आपको अपना नाम टाइप कर देना, जो आधार कार्ड पर आपका नाम होगा वही नाम टाइप करिएगा। अपने फादर नेम को यहाँ पर टाइप कर देना, अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना जो भी आपका आधार कार्ड पे मेंशन होगा, अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करिएगा, अगर शहर से बिलोंग करते हैं आपको अर्बन सेलेक्ट करना होगा, अगर ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है। इतना कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पहले आपको अपना आप शहर से बिलोंग करते हैं गांव से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बाद अपना गाँव, उसका इतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका विलेज का नाम होगा विलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो विलेज का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, बस आपको गेट मोबाइल OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे आप देखते हैं OTP आ चुका है तो OTP यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटर आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप कर लीजिए, जो भी आपका आधार नंबर होगा आधार नंबर टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलता है सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट आपको ऑथेंटिकेट का ऑप्शन देखने मिलता है। यहाँ पे मोबाइल OTP और फिंगर, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन है तो आपको फिंगर सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको मोबाइल OTP वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आपको यहाँ पे बस यही सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल OTP और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पूरा डिटेल फिल करने के बाद इतना करिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको वहाँ पर टाइप कर देना होगा, अपना वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको थोड़ा सा वेट कर लेना पड़ेगा। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर मोबाइल में अगर सेल्फ यूजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा तो उसके लिए क्या करना, अगर आपके मोबाइल में सेल्फ यूजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको PMGY यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखते हैं आयुष्मान भारत, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 11 जुलाई 2023 को नया अपडेट हुआ है, तो पहले आपको PMGY ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लीजिएगा, या अगर तब भी देखने को नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है अबाउट दिस ऐप का एक ऑप्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे इस ऐप के बारे में आपको डिटेल में बताया गया कि इसका वर्जन क्या है। यहाँ आप देखते हैं इसका वर्जन क्या है, ये भी देखने को मिलता है। अपडेट कितने तारीख को वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं क्या रिक्वायर्ड OS आपके मोबाइल का क्या रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 7.0 एंड अप, मतलब आपका एंड्रॉयड 7.0 रहेगा
तो ही आप में ये सपोर्ट करेगा, या तो उससे ऊपर करेगा तो आप में सपोर्ट कर लेगा। तो ये आपको देख लेना है, अगर आपके मोबाइल पे भी हो सकता है कि अपडेट आया होगा, तो पहले तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद PMGY ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपका आपके मोबाइल में भी सेल्फ यूजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपना सेल्फ यूजर का कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और आपका आयुष्मान कार्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा।